अस्सलाम वालेकुम गाइस, केसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए, महक से शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शीरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शीरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है तुमने शीरू ने किसी का नाम लिया या नहीं। पुलिस वाला बोलते हैं नहीं बाबा साहब, किसी का नाम भी नहीं लिया शीरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा तारा बेटा जाओ, शीरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया। जब शीरू थाने पे जाती है और शीरू से पूछती है तुम किस जुर्म में आए हो, वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है शीरू तुमसे बताता हूँ तुम किस जुर्म में आए हो, मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की, इसने बोला वो शमशेर का जो बीवी है, मैंने इसको ट्रक चलाया इस पे। हाँ, वो तारा बहुत गुस्सा हो गया। जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है, सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी खड़ी है, महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गुस्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है तुमने मुझको झूठ बोला था महक, तुमने तुम्हारे पास से शीरू ने इस पर ट्रक चढ़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, केसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए, महक से शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शीरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शीरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है तुमने शीरू ने किसी का नाम लिया या नहीं। पुलिस वाला बोलते हैं नहीं बाबा साहब, किसी का नाम भी नहीं लिया शीरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा तारा बेटा जाओ, शीरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया। जब शीरू थाने पे जाती है और शीरू से पूछती है तुम किस जुर्म में आए हो, वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है शीरू तुमसे बताता हूँ तुम किस जुर्म में आए हो, मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की, इसने बोला वो शमशेर का जो बीवी है, मैंने इसको ट्रक चढ़ाया इस पे। हाँ, वो तारा बहुत गुस्सा हो गया। जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है, सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी खड़ी है, महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गु़स्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है तुमने मुझको झूठ बोला था महक, तुमने
तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक छड़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था, महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, केसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए, महक से शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा, शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं, पुलिस वाला बोलते हैं नहीं बाबा साहब किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा तारा बेटा जाओ शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया, जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है तुम किस जुर्म में आए हो, वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है शिरू तुमसे बताता हूँ तुम किस जुर्म में आए हो, मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की, इसने बोला वो शमशेर का जो बीवी है, मैंने इसको ट्रक चढ़ाया इस पे। हाँ वो तारा बहुत गुस्सा हो गया, जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है, सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी खड़ी है, महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गुस्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है तुमने मुझको झूठ बोला था, महक तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक छड़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था, महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, केसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए, महक से शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा, शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं, पुलिस वाला बोलते हैं नहीं बाबा साहब किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा तारा बेटा जाओ शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया, जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है तुम किस जुर्म में आए हो, वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है शिरू तुमसे बताता हूँ तुम किस जुर्म में आए हो, मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की, इसने बोला वो शमशेर का जो बीवी है, मैंने इसको ट्रक चढ़ाया इस पे। हाँ वो तारा बहुत गुस्सा हो गया, जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है, सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी कड़ी है, महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा
पर बहुत गु़स्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है, तुमने मुझको झूठ बोला था, महक तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक छड़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था, महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, के सी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए, महक से शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है, तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं? पुलिस वाला बोलते हैं, नहीं बाबा साहब, किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा, तारा बेटा जाओ, शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया। जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है, तुम किस जुर्म में आए हो? वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है, शिरू तुमसे बताता हूँ, तुम किस जुर्म में आए हो? मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की? इसने बोला, वो शमशेर का जो बीवी है, मैंने इसको ट्रक चढ़ाया इस पे। हाँ, वो तारा बहुत गुस्सा हो गया। जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है, सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी कड़ी है, महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गु़स्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है, तुमने मुझको झूठ बोला था, महक तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक छड़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था, महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, के सी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए, महक से शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है, तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं? पुलिस वाला बोलते हैं, नहीं बाबा साहब, किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा, तारा बेटा जाओ, शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया। जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है, तुम किस जुर्म में आए हो? वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है, शिरू तुमसे बताता हूँ, तुम किस जुर्म में आए हो? मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की? इसने बोला, वो शमशेर का जो बीवी है, मैंने इसको ट्रक चढ़ाया इस पे। हाँ, वो तारा बहुत गु़स्सा हो गया। जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है, सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे
महक भी कड़ी है, महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गुस्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है, तुमने मुझको झूठ बोला था महक, तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक छड़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था, महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, के इसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए महक से, शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है, तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं? पुलिस वाला बोलते हैं, नहीं बाबा साहब किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा, तारा बेटा जाओ, शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया। जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है, तुम किस जुर्म में आए हो? वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है, शिरू तुमसे बताता हूँ तुम किस जुर्म में आए हो, मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की? इसने बोला, वो शमशेर का जो बीवी है, मैंने इसको ट्रक चढ़ाया इस पे। हाँ, वो तारा बहुत गुस्सा हो गया। जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है, सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी कड़ी है, महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गु़स्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है, तुमने मुझको झूठ बोला था महक, तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक छड़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था, महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, के इसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए महक से, शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है, तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं? पुलिस वाला बोलते हैं, नहीं बाबा साहब किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा, तारा बेटा जाओ, शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया। जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है, तुम किस जुर्म में आए हो? वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है, शिरू तुमसे बताता हूँ तुम किस जुर्म में आए हो, मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की? इसने बोला, वो शमशेर का जो बीवी है, मैंने इसको ट्रक चढ़ाया इस पे। हाँ, वो तारा बहुत गुस्सा हो गया। जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है, सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब
शमशेर इधर से रवानगा हो जाए, रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी कड़ी है, महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गुस्सा करते हैं शमशेर बहुत गुस्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है तुमने मुझको झूठ बोला था महक, तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक छड़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, केसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए महक से, शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा, तो बाबा को फ़ोन करेगा हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं, पुलिस वाला बोलते हैं नहीं बाबा साहब किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा तारा बेटा जाओ शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया, जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है तुम किस जुर्म में आए हो, वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है शिरू तुमसे बताता हूँ तुम किस जुर्म में आए हो, मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की, इसने बोला वो शमशेर का जो बीवी है मैंने इसको ट्रक चढ़ाया इस पे। हाँ वो तारा बहुत गुस्सा हो गया, जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है, सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगा हो जाए, रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी कड़ी है, महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गुस्सा करते हैं शमशेर बहुत गुस्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है तुमने मुझको झूठ बोला था महक, तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक छड़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, केसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए महक से, शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा, तो बाबा को फ़ोन करेगा हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं, पुलिस वाला बोलते हैं नहीं बाबा साहब किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा तारा बेटा जाओ शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया, जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है तुम किस जुर्म में आए हो, वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है शिरू तुमसे बताता हूँ तुम किस जुर्म में आए हो, मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की, इसने बोला वो शमशेर का जो बीवी है मैंने इसको ट्रक चढ़ाया इस पे। हाँ वो तारा बहुत गुस्सा हो गया,
जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है, सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी कड़ी है, महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गु़स्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है तुमने मुझको झूठ बोला था महक, तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक छड़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, केसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए महक से, शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं, पुलिस वाला बोलते हैं नहीं बाबा साहब किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा तारा बेटा जाओ शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया, जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है तुम किस जुर्म में आए हो, वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है शिरू तुमसे बताता हूँ तुम किस जुर्म में आए हो, मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की, इसने बोला वो शमशेर का जो बीवी है मैंने इसको ट्रक चलाया इस पे। हाँ वो तारा बहुत गु़स्सा हो गया, जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है, सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी कड़ी है, महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गु़स्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है तुमने मुझको झूठ बोला था महक, तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक छड़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, केसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए महक से, शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है, इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं, पुलिस वाला बोलते हैं नहीं बाबा साहब किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा तारा बेटा जाओ शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया, जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है तुम किस जुर्म में आए हो, वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है शिरू तुमसे बताता हूँ तुम किस जुर्म में आए हो, मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की,
इसने बोला, वो शमशेर का जो बीवी है, मैंने इसको ट्रक चलाया इस पे। हाँ, वो तारा बहुत गुस्सा हो गया। जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है। सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी कड़ी है। महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गुस्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है, तुमने मुझको झूठ बोला था महक, तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक चढ़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था, महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, केसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए महक से, शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है। इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी, ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है, तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं? पुलिस वाला बोलते हैं, नहीं बाबा साहब, किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा, तारा बेटा जाओ, शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया। जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है, तुम किस जुर्म में आए हो, वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है, शिरू तुमसे बताता हूँ, तुम किस जुर्म में आए हो, मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की? इसने बोला, वो शमशेर का जो बीवी है, मैंने इसको ट्रक चढ़ाया इस पे। हाँ, वो तारा बहुत गुस्सा हो गया। जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है। सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी कड़ी है। महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गु़स्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है, तुमने मुझको झूठ बोला था महक, तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक चढ़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था, महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, केसी तेरी हुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए महक से, शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए, और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है। इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी, ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है, तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं? पुलिस वाला बोलते हैं, नहीं बाबा साहब, किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा, तारा बेटा जाओ, शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया। जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है, तुम किस जुर्म में आए हो, वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है,
शिरू तुमसे बताता हूँ तुम किस जुर्म में आए हो। मैंने एक लड़की मार दिया। कौन सा वाला लड़की? इसने बोला, वो शमशेर का जो बीवी है, मैंने इसको ट्रक चलाया इस पे। हाँ, वो तारा बहुत गुस्सा हो गया। जब पीछे मुड़ को देखती है तो शमशेर भी उधर ही खड़ा है। सारा हकीकत वो भी जान जाती है। जब शमशेर इधर से रवानगी हो जाए तो पीछे महक भी कड़ी है। महक भी ये सारे बातें सुनती है और सब कुछ पता चल गया है इसका। जब वो बाबा पर बहुत गुस्सा करते हैं शमशेर बहुत गु़स्से में आ जाते हैं घर के, और बाबा साहब को बोलती है, तुमने मुझको झूठ बोला था महक, तुमने तुम्हारे बाद से शिरू ने इस पर ट्रक चढ़ाई थी, लेकिन अल्लाह का एहसान था, महक बच गया और हमारा दोनों का शादी भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, केसी तेरी खुदगर्ज़ी ड्रामे सीरियल में आप देखेंगे बाबा साहब ने अपने शमशेर को महक से बदगुमान करके दिया, इसी वजह से दिया जो इससे नफ़रत हो जाए महक से, शमशेर को महक से नफ़रत हो जाए। और वो शमशेर जो है ना महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती है। बाबा साहब इस पे राज़ी ना है, और इसमें जो ये वाला लड़की है तारा का बीवी, वो भी शमशेर से बहुत बदतमीज़ी करते हैं और महक इसको भी पसंद नहीं है। इसी वजह से बाबा साहब को ये बोलेगी, ये लड़ाई कब तक रहेगा, इस दोनों का कोई हल निकाल दो। जब वो शिरू पुलिस वाला गिरफ़्तार करेगा तो बाबा को फ़ोन करेगा, हमने शिरू गिरफ़्तार किया। बाबा पुलिस वाला को बोलती है, तुमने शिरू ने किसी का नाम लिया या नहीं? पुलिस वाला बोलते हैं, नहीं बाबा साहब, किसी का नाम भी नहीं लिया शिरू ने। जब बाबा तारा को बोलेगा, तारा बेटा जाओ, शिरू पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया। जब शिरू थाने पे जाती है और शिरू से पूछती है, तुम किस जुर्म में आए हो, वो नहीं बोलते। जब फिर दोबारा तारा बोलती है, پومہ گران مینہ والو زما سر تو زما جون تا خطر دل سید علی شاہ خان پولیس والا دل ازا چہ شیخ ملتون کی اس دین اگا ٹھیک ہم سی دا ہورائزن مینہ والو تا صفو پریحان پہ جن پ ٹک ٹاک کم ڈیرا مخکدا دای یو ویڈیو راغنی دا ولی لاٹھی نسی چلی کڑی بیا پٹ کو سوار شوی دکو ننا طلاقہ دی یو خطرناک ویڈیو راغنی راجہ چ پلے کم دا مینوالو ڈانسونه کوي او خلکو ته ورخی جی چې بیا سر ډیر زیاتی وشي نو سوشل میډیا دراشي مینوالو ما سر زیاتی وشو زما مدد وکي اوس څنګه غاټینګ کوم زما په سید علی شاه خان باندې دا داوله کزار سره شو مو زما بچی ست ناز شو زما په سید علی شاه خان باندې چې په شیخ ملتون کې ډیوټي ده یو ګل وخا وخا اوس چغې چې خلکو لپتونان د خېج کنه خلکو تسواری کنه دغه بدی علی خیر دې زه تو تیکول به سر لګ مدد وکي زما هیڅوک مدد نه کوي اینه گخې دک شان خې غټي غټي خزه بدی خو هاو نه کنه اوس کنه ټینګه کا اوس دې غټ غټ بادرنګ وتم کنه ټینګه کا چې پاتا دی ولګي ناجائز تعلقات پر زور باندھ ساتل غواڑی دے نہ ساتم ورترا